हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। तो आज हम घर गए हुए थे, तो यहाँ से हमारी यात्रा होने वाली है कुछ मंदिरों की ओर। तो आगे हमें राणा जी ज्वाइन करेंगे, तो चलिए आपको कराते हैं कुछ देव दर्शन उत्तराखंड में। तो बने रहिए आप वीडियो में हमारे साथ और हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे आपको आज देव दर्शन कराने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में आप, और गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ, तो उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों आपको कराते हैं स्वर्ग की सैर। कितना सुंदर मौसम है देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया धूप आई हुई है। सुबह सुबह बारिश हो चुकी है एक बार और अब बेहतरीन धूप का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, कितना सुहाना मौसम है। तो दोस्तों अभी हम घर से निकले हैं, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं धौलछीना। धौलछीना के बाद आएगा बाड़ेछीना, बाड़ेछीना के बाद आएगा फिर आगे जागेश्वर वाली रोड में जाएंगे हम, और हम राणा जी को ज्वाइन करेंगे जागेश्वर से। तो फिर हम चलेंगे मंदिरों में और आपको देव दर्शन कराएंगे। दोस्तों हम जोशी जी के साथ आ चुके हैं और अब कार्तिक राणा जी भी हमारे साथ में हैं, और जोशी जी अभी हमारे घर में आए थे, तो अभी हम जागेश्वर के लिए जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। सुन शानदार देवदार के वृक्षों के बीच से होते हुए जागेश्वर धाम को जाते हुए हम, आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। भोलेनाथ की नगरी जागेश्वर धाम, यह दोस्तों हर्बल गार्डन, मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना। मेला तो अभी चल ही रहा होगा। हाँ मेला भी, दुकानें तो है ही भी। कार्तिका लंबी शॉपिंग करने के मूड में है। हाँ शॉपिंग ये दीवाल है गोया, किधर बार आर बार। फिलहाल तो कौन सी, तो एक बार लंजरी है। देख ले। जा। दो बार से लगे हैं, नीचे ले जाने की गाड़ी है। देखते हैं नीचे नहीं रहते, यही लगाने पड़ेगी। नीचे तो नहीं ले जाएंगे सर। लगा दे यहीं पे। यही लगा दो, नीचे नहीं ले जाने के लिए। यही तो लगा दो बीच में। बड़ा तू है दीदी भी, चंगला तू दादा हुआ। हाँ बड़ा तू, छोटा जो नहीं हुआ। छोटा कौन है? मैं बड़ा हूँ ना। देखिए एक मिनट बाद कौन हुआ पैदा? एक मिनट बाद कहाँ, एक घंटे बाद हुआ ये। एक घंटे नान भेज भाई आ दू। तो गाइस दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम, थोड़ा ऊपर रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ को जाने नहीं देते, नीचे भीड़ भड़ाका हो जाता है, इसलिए गाड़ियाँ ऊपर ही रोकनी पड़ती है। तो हमने ऊपर गाड़ी पीछे लगा दी और अब चल रहे हम धीरे धीरे हौले हौले जागेश्वर की ओर। बस थोड़ा सा है, 100 मीटर, 100 मीटर के हाँ थोड़ी लगा लो। तो दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। साल पहले अच्छा चल के चल ले नीचे को, चलते रहो नीचे को।
तो यहाँ पे दोनों की दोस्ती हो चुकी है अब, जोशी जी और कार्तिक जी की, दोनों हाथ पकड़ के चलते हुए यहाँ पे मेले में घूमते हुए दोनों। मेला तो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन जोशी जी बड़े देर से पधारे जागेश्वर धाम में, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। हाँ सारे होम स्टे हैं, ये है सुंदर नज़ारा जागेश्वर धाम का। फाइनली जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। बर्मा में खाचे क्या 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 खाते रो यार। अब स्टार्ट करो, चलो चलो। श्री जागेश्वर धाम में आप सभी का स्वागत है भक्तों, ये पहुंच चुके हम जागेश्वर धाम, जोशी जी और कार्तिक जी आगे चल चल चलते। ओ भाई नीचे गर्म कितना हो रहा है जय हो प्रभु प्रभु। गुरु पंडित जी और ठीक है जी। शंभो शंकराय नमो नमः, हर हर महादेव, श्री ज्योतिर्लिंग नमो नमः, श्री ज्योतिर्लिंग। हाँ जाओ चलो 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 अंदर चले जाओ, क्या हो रहा है उसपे, जाओ खड़े हो जाओ यहाँ पे, फिर फोटो खींचेंगे तुम्हारे, पहले वीडियो ले लेते हैं। अंदर हुआ थे क्या कर रहा हूँ, मजा ना है महादेव बोलो। क्या रुपाले खिंची, रुपाले खिंची कुंड में कहा जी पत्ते में एक रुपया अटकाते थे इसमें, कभी अटकुनी आई ले तो। राणा जी कौन सी नदी हुई है Thank you.
गाइस हम आ चुके हैं जटा गंगा में, राणा जी यहाँ पर स्नान करते हुए। ये देखिए हम आ गए हैं भोले बाबा की नगरी। भोले बाबा की नमः, शंभो नमः। वो हो गया, करो उधर जाओ, आगे जाओ, पीते रहे पीते रहे, बन जा भाई, इधर तू दे दो कर, हाथी हटे खिलवाए, हाथी खिलवाए, हाथी खिलवाए, कितने यहाँ पे जोशी जी स्नान करते हुए, घर से तो किया नहीं पता नहीं लेकिन यहाँ पे करते हुए, और ये जटागंगा नीचे देखो बहती हुई। गणेश जी देखियो पेड़ में, गणेश जी, गणेश जी ने फूल कहा, हाँ यार आग भी दिख रही है ना, अरे हाँ गजब दिख रहा है, मैंने गौर नहीं किया यार अभी तक, तो लंबा हाथ, हाँ सूंड जैसा भी दिख रहा है, दांत भी दिख रहे हैं, आग भी दिख रही है, पेड़ तो भयंकर यार आना चाहिए, बड़ा तो ये है सबसे विशाल पार्वती और शिव का रूप माना जाता है। तो राणा जी इस पेड़ के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे, जो पेड़ हमने आपको दिखाया पेड़ अभी सामने जाके दिखाते पहले बताते उसके बारे में, नीचे से जो एक है ऊपर जाके दो, इस वृक्ष को शिव पार्वती का रूप माना जाता है, जो नीचे से एक है लेकिन ऊपर दो हो गए, दो भागों में विभाजित है, श्री केदारनाथ के लिए शिव पार्वती का रूप माना जी। राणा जी ये बताइए, देखते देखते जो शिव पार्वती का रूप माना जाता है, नीचे से एक है लेकिन ये ऊपर दो रूप है, और ऐसे मानते हैं कि शिव पार्वती का रूप है जो काफ़ी विशाल गाय है, और इसकी पूजा होती है नित्य रोज। चलो भाई भाई बेटा भगवान शिव में माँ पार्वती का, तो दोस्तों हम आ चुके हैं दंडेश्वर महादेव, तो यहाँ के बारे में भी जानकारी हमें राणा जी देंगे, यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो चलिए चलते हैं, फिलहाल हम मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। दंडेश्वर महादेव आ
तो दोस्तों हम आ चुके हैं दंडेश्वर महादेव मंदिर, जो कि जागेश्वर धाम से थोड़ा सा पहले है। तो राणा जी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताएंगे, क्योंकि राणा जी यहाँ के पुजारी हैं अभी। तो पूजा अर्चना इन्हीं लोग राणा लोगों के द्वारा ही होती है यहाँ पर। तो राणा जी बताएंगे आपको यहाँ का इतिहास। ये है दंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। यहाँ शिव भगवान शिला रूप में विराजमान है, जो कि यहाँ शिव जी को सप्तऋषि द्वारा श्राप दिया गया था। तो भोले बाबा यहाँ शिला रूप में विराजमान है और बड़ी शिला है। तो एक बार आप आइएगा और दर्शन कीजिएगा भोले बाबा का, अपना आशीर्वाद ले जाइएगा। दोस्तों बड़ा भव्य मंदिर है, जोशी जी ने आपको दिखाई दिया होगा, बताई दिया होगा दोस्तों। तो अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, एक बार आप आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है दंडेश्वर महादेव मंदिर, देख सकते हैं आप भव्य भव्य स्वरूप मंदिर का। नवीं दसवीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर है। ये देवदार के घने वृक्षों के बीच में स्थित मंदिर है। हर हर महादेव। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर महादेव जी शिला रूप में विराजमान है, तो आप दर्शन कर सकते हैं हर हर महादेव। और ये नंदी जी यहाँ पर विराजमान है। चलो चलो दोस्तों, जाकर सेम जा रहे हैं हम, जाकर सेम
राणा जी, आज झाकर सिंह मंदिर में क्या हो रहा है? यहाँ पे यात्रा हो रही है ढोल नगाड़ों के साथ, भगवान की यात्रा निकाली जाती है जिसमें भगवान पहले इधर को आ रहे हैं, उधर को जा रहे हैं। चल कार्तिक, हिट कार्तिक हिट, यहाँ खुल जानू Hey!
है दोस्तों। तो हम राणा जी को उनके घर छोड़ के आ गए हैं। उनको घर छोड़ने के बाद अब अगले मंदिर की ओर हम जाएंगे, चितई गुरु। तो चितई गुरु हम पहुँच चुके हैं, तो अब चलते हैं मंदिर की ओर और आपको दर्शन करवाते हैं चितई गुरु जी के। इससे पूर्व हमने आपको दर्शन कराए जागेश्वर धाम, दंडेश्वर महादेव और झाकर सेन मंदिर, तीन मंदिरों के हमने दर्शन करा दिए। चौथा मंदिर है आज की इस वीडियो में, तो वो है चितई गुरु देवता। तो चलिए चलते हैं और चितई गुरु देवता जी के दर्शन आपको कराते हैं। तो दोस्तों चलिए। प्रसाद क्या करेगा तू? तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रानीखेत। अब यहां से ताड़ीखेत है 7 किलोमीटर। तो हम पहुंच जाएंगे घर थोड़ी देर में। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में।